शिमला में हुए नुकसान का केंद्रीय दल के द्वारा आकलन किया गया। रजना और पंथा घाटी और कृष्णानगर में हुए नुकसान का यह आकलन, भारी बारिश के कारण हुए नुकसान का यह जायजा भी लिया गया है। रजाड़ा में भूस्खलन का यह जायजा लिया गया। आज कोटखाई और रोहडू क्षेत्र का दौरा करेगा केंद्रीय दल। देखिए, लगातार ये निरीक्षण किया जा रहा है, आकलन किया जा रहा है कि आखिर किस तरीके से एक रिपोर्ट तैयार की जाए, और उसके बाद जब आकलन हो जाएगा तो उसके बाद कैसे आर्थिक सहायता दी जाए, क्या कुछ राहत के काम करने हैं, इसको लेकर के आगे बढ़ा जा रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता कमल ठाकुर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल, देखिए जिस तरीके से भारी बारिश के कारण जो नुकसान हुआ है, ऐसे में अब क्या आकलन किया जा रहा है और इसके बाद क्या राहत पहुंचाने का भी काम किया जाएगा? जी देखिए, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून की बारिश कहर बरपाया है, उसकी भरपाई करने के लिए जो है प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है, और ऐसे में जो है अब केंद्रीय जो दल है वो भी हिमाचल प्रदेश पहुंचा है। और शिमला की बात करें तो शिमला में बीते कल जो है केंद्रीय दल ने शिमला में जहां जहां पर भी नुकसान हुआ है वहां पर पहुंचकर नुकसान का आकलन किया है। बीते कल की बात करें तो ये दल जो है शिमला के रजहाना और इसके आसपास के क्षेत्रों में जहां पर बरसात जो है कहर बनकर टूटी थी वहां पर पहुंचा। और रजहाना में आपको बता दें कि एक परिवार पर ये बरसात जो है आफत बनकर बरसी थी और दो लोगों की इसमें मौत भी हो गई थी। वहां पर पिछले कल जो है ये दल पहुंचा था, और इस तरह से शिमला के अंदर जहां जहां भी इस बरसात के अंदर भारी नुकसान हुआ है वहां पर जाकर ये दल नुकसान का आकलन कर रहा है। और कमल, देखिए आकलन करना टीम के द्वारा तो शुरू हो गया है, लेकिन अगर हम जलस्तर की बात करें और भूस्खलन की बात करें तो क्या कुछ स्थिति इस वक्त शिमला में बनी हुई है? जी बिल्कुल, देखिए शिमला की बात करें तो भारी बारिश के बाद जो है लगातार ऊपरी शिमला में और अन्य क्षेत्रों में जिला शिमला के जो है भूस्खलन की अनेक घटनाएं हुई है। और मौसम जो है जिस तरह से लगातार जो है कहर बरपा रहा है, अब हाल ही की बात करें तो रेड अलर्ट के बाद जो है एक बार फिर से मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के अंदर 24 जुलाई तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और तो इस तरह से जिला के अंदर बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि जिस तरह जो एक भारी बारिश रेड अलर्ट के अंदर हुई थी उसका जो नुकसान है उसकी जो घाव जिला के अंदर है उसको वो भरे नहीं जा सकते हैं। और फिलहाल जो है सड़कों जो जिला के अंदर सड़कें बंद है उन्हें खोलने का काम लगातार जारी है, और आवागमन को सुचारू रूप से चालू करने का काम प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका कमल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रजाड़ा में भूस्खलन का ये जायजा लिया गया और टीम लगातार